आयशा गुललई के बाद एक और आयशा इंसाफ मांगने लगी। हमजा शहबाज की अहलिया होने के दावेदार की पीटीआई रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीगी रहनुमा पर झूठ बोलकर शादी करने का इल्जाम। कहती हैं गुललई के इल्जामात पर कमेटी बन सकती है तो इस मामले पर भी कमीशन बनाया जाए। आयशा अहद के हमजा शहबाज पर इल्जामात। इमरान खान की तहकीकात के लिए कमेटी के मुतालबे की हिमायत। पीटीआई चेयरमैन का ट्वीट। नए वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के लिए इम्तिहान बन गया। तहरीक इंसाफ ने आयशा गुललई का बदला लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। शहला रजा का इल्जाम। दहशतगर्दी का खदशा। नवाज शरीफ की लाहौर आमद का शेड्यूल तब्दील। सीनियर रहनुमाओं की मुखालिफत। मौलाना फजल रहमान और अचकजई से मुशावरत से पहले लाहौर जाने का प्रोग्राम बजरिया मोटरवे फाइनल था। जीटी रोड पर आने से हालात खराब हो सकते थे। पुलिस और दीगर इदारों ने हुकूमत को आगाह कर दिया। खुसूसी रिपोर्ट रोजनामा 92 न्यूज का हिस्सा। नया विफाकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क कायम। रवा साल के आखिर तक फाल होगा। मौजूदा सिस्टम नाकारा था। नया निजाम मुल्की और बैन अल-अक़वामी इदारों के साथ नेटवर्किंग का जल्द आगाज करेगा। इदारे केस टू केस तावुन करेंगे। अहम इंकिशाफ पर मबनी रिपोर्ट रोजनामा 92 न्यूज का हिस्सा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल 1.80 रुपया, डीजल 2.5 रुपए लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल के पुराने निर्ख ताहाल बरकरार। 35 घंटे गुजर गए, इंटरनेट ना चल पाया। फाइबर केबल में खराबी सार्फीन के लिए अजाब बन गई। सर्विस मुअत्तल। पीटीए हुकाम दिन भर झूठी तसलियां देते रहे। केबल की खराबी तो दूर ना हो सकी, ताहम पीआईए का शेड्यूल मामूल पर आ गया। मेहरापुर में वहशी दरिंदों की 11 साल जहनी माजूर लड़की से अगवा के बाद इज्तमाई ज्यादती। मुलजिमान ज्यादती के बाद लड़की को बाजार में फेंक कर फरार हो गए। बेबस बाप की हुकूमत से इंसाफ की अपील। मारूफ बॉक्सर अज़दवाजी रिंग में नाकाम क्यों। 92 न्यूज मामले की तह तक पहुंच गया। दुबई के क्लब में आमिर की खवातीन मद्दाहों के साथ सेल्फियां। फरियाल नजरअंदाज किए जाने पर बरहम हो गई। आमिर खान कहते हैं फरियाल को तलाक देने के बाद सारी रात सो नहीं सका, अभी तक परेशान और संभलने की कोशिश कर रहा हूँ। वतन, प्यारे वतन, धूम से मनाएंगे आजादी का जश्न। तैयारियां उरूज पर। कोई झंडियां लगा रहा है, कोई गलियां सजा रहा है। बच्चे भी पेश पेश, छोटी दुनिया बड़े जश्न के लिए तैयार। अब तो बस है 14 अगस्त का इंतजार। अकलियती बिरादरी भी खुशियां मनाने को तैयार। भारत में जुनूनी हिंदू कानून की धज्जियां उड़ाने लगे। बाल काटने के शुबे में 62 साल खातून को मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। सफाक हिंदुओं का, एक मुसलमान नौजवान पर भी तशद्दुद। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में नामालूम अफराद मस्जिद में बम फेंक कर फरार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बम हमले से इमाम मस्जिद के दफ्तर को नुकसान पहुंचा। मस्जिद इंतजामिया का हमलावर की निशानदेही करने वाले के लिए $10,000 इनाम। लंदन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। जस्टिन गैल्टन दुनिया के नए तेज तरीन इंसान बन गए। बड़ों बड़ों को हराने वाले यूसेन बोल्ट 100 मीटर रेस के आखिरी मार्के में नाकाम। बोल्ट गोल्डन करियर का गोल्ड मेडल पर इख्तिताम ना कर सके। शानदार अंदाज में ग्राउंड से रुखसत। अमरीकी सदर न्यूजर्सी की गार्डन स्टेट में छुट्टियां मना रहे हैं। उधर इंतजामिया ने मौके को गनीमत जाना और व्हाइट हाउस के तज़ीनों आराज शुरू कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार संभालने के बाद पहली बार लंबी छुट्टियों पर गए। और खतरों से
से खेलने वालों के लिए दुनिया का खतरनाक तरीन झूला। अमरीकी रियासत कोलोराडो में 100 मील फी घंटे की रफ्तार से 200 फीट नीचे जाने वाला झूला बड़े बड़े दलेरों को खौफ के मारे चिल्लाने पर मजबूर कर देता है।